इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। ईडी पर चला है सुप्रीम कोर्ट के जजों का डंडा। जी हां दोस्तों, ईडी की हेकड़ी निकाल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कुछ है पूरी खबर, विस्तार से बताएंगे। पीएम मोदी और अमित शाह को दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका, कहा अब मनमानी नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग भी मानते हैं कि लगातार केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए, तो आप लोग अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह भय का माहौल बिल्कुल भी ना बनाए। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य के कई आबकारी अधिकारियों ने शिकायत की है कि उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शराब अनियमितता मामले में फंसाने को लेकर के दबाव बनाने के लिए धमकी दी जा रही है ईडी के अधिकारियों की तरफ से। इस पर पूरे मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, बेलगाम है पूरी तरह से, इस पर रोक लगनी चाहिए। पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क गए और ईडी को दो टूक कह दिया है और कहा है कि देश के अंदर भय का माहौल बिल्कुल भी ना बनाए एजेंसी। इस समय की बड़ी अपडेट सामने निकल के आई दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।